सर्वप्रथम समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। समक्ष बैठे चकिया के समृद्ध श्रोतागण, माताएं बहनें, प्यारे भाइयों, मैं आपकी धरती का हूँ, आपसे ज़्यादा अपेक्षा रखता हूँ। और जैसा कि आदरणीय संचालक जी कह रहे थे कि मैं प्राइमरी का अध्यापक हूँ, आप जानते हैं कि प्राइमरी का अध्यापक विद्वान होता है, मैं भी विद्वान हूँ और प्रारंभ यहीं से करता हूँ। बड़े आक्षेप लगते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, पूरे शिक्षक समाज की ओर से अगर यहाँ कोई शिक्षक भाई बैठा होगा तो उसकी आवाज भी मैं बनकर कहना चाहता हूँ, मंच का ध्यान चाहूंगा, कि जो सच्चे हैं उनको सच्चा रहने दो, सच्चा रहने दो। जो सच्चे हैं उनको सच्चा रहने दो। हम कच्चे हैं हमको कच्चा रहने दो। सुना है बच्चे होते हैं भगवान के रूप धरा पर। हम बच्चों के बीच रहते हैं, हमें बच्चा रहने दो। हम बच्चों को बच्चा बन के पढ़ाते हैं, तब हम कुछ दे पाते हैं। आइए चार पंक्तियां प्रार्थना के लिए, कि दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं। मैं बेसिकली गीत ही पढ़ता हूं। दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, हर घड़ी प्यार के गीत गाता रहूं। मुझ पर इतना करम करे खुदा कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं, कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं। एक मुक्तक और जो मेरी पहचान बनाया है, उसे भी इस मंच से पढ़ना चाहता हूं, कि जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं, जहर जिंदगी का पिया ही नहीं। कैसे जमाना याद करेगा उसे जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं, जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ा था, उससे प्रभावित होकर ये मुक्तक लिखा था। आज परिवेश कुछ नया बनने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इशारा करके मैं एक गीत पढ़ूंगा, कि जब किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले जब स्वास्थ्य शिविर लगाने लगे, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले जब स्वास्थ्य शिविर लगाने लगे, मन में गंदा भाव रखने वाले जब सत्संग कराने लगे, तो जान जाइए चुनाव आने वाला है। तो जान जाइए चुनाव आने वाला है, और समाज विरुद्ध काम करने वाले,
समाज विरुद्ध काम करने वाले जब खुद को समाज से भी बताने लगे, समाज विरुद्ध काम करने वाले जब खुद को समाज से भी बताने लगे और अंधेरा का परिवेश बनाने वाले जब उजाले का उपदेश सुनाने लगे, तो जान जाइए चुनाव आने वाला है। तो जान जाइए चुनाव आने वाला है। आप प्रबुद्ध श्रोता हैं, आइए। जिस ओर इशारा कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर साहब, ये चंद्रकांता की धरती है, ये हमारी चंदौली है, और ये गीत जो पढ़ने जा रहा हूं बहुत ही मन से पढ़ूंगा, और चंदौली का एक परिदृश्य आप सभी के सामने रखने की कोशिश है। और अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मंच का छोटा कवि हूं, आशीर्वाद दे दीजिएगा, मंच का ध्यान चाहता हूं। ये चंदौली कह रही है, ये गीत मेरी पहचान बनी है, वायरल हुई है, आप आज मंच से सुने। कि धान कहूं मैं कटोरा देखो, धान कहूं मैं कटोरा देखो, प्रीत के रीत की बोली हूं। धान कहूं मैं कटोरा देखो, प्रीत के रीत की बोली हूं। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, 16 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ऐतिहासिक वह दिन जो चंदौली के नाम को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। स्वतंत्रता के मुरादियों में देशभक्ति का था उन्माद, मौत भी आएगी समर में उनको ना था कोई विषाद। मौत भी आएगी समर में उनको ना था कोई विषाद। मैं मोक्ष धाम के रूप में देखो, मैं मोक्ष धाम के रूप में देखो, गंगा तट पे नरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। दूसरा दृश्य, चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। लटिव शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। लटिव शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। एक बार फिर से जोड़ रहा हूं कि चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। लटिब साह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और एक सबसे अनुसंधान मैंने किया, मैं कर्मनाशा और चंद्र प्रभा के
मैं चंद्र प्रभा और कर्म ना सके संगम पास धरोली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। और अगला दृश्य देखें, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी इमारत बनाई, एक ऐसी जगह बनाई, उसका जिक्र करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि दीन दयाल स्मृति उपवन, जो आप पड़ाव पे है, दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी। दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। लाल बहादुर की जननी हूँ ऊंची से शान मेरी। किना राम की, किना राम की तपोभूमि और बुद्ध कलिय इतिहास हूँ मैं। बुद्धपुर किना राम की तपोभूमि और बुद्ध कलिय इतिहास हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं। जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो, पावन धरा रमौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। और अंतिम बात कह के अपना स्थान लूंगा। स्वागत। और बहुत इतिहास की बात, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण के माध्यम से ये बात कहने जा रहा हूँ। कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर बावला का ये घराना है। विद्याधरी कैलाश नामवर बावला का ये घराना है। कमलापति की कर्म भूमि, कमलापति की कर्म भूमि और राजित का एहसास हूँ मैं। जो भी मेरे गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं। जो भी मेरे गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं। मैं सींच रही हूँ, मैं सींच रही हूँ इस उपवन को गंगा धारा भूपौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते जनपद में चंदौली हूँ। जनपद में चंदौली हूँ।